शायद मैंने एक चीज़ नोटिस करा, काफ़ी टाइम होगा कि भाई फ्री किल को हमने 4-0 नहीं मारा। एक टाइम था हम 4-0 मारते रहते थे, चलो देखते हैं आज 4-0 मार पाएंगे कि नहीं। सुबह टूट गया यार, मारना पड़ेगा यार, कमी नहीं है। अरे ले, मैं बचाने के चक्कर में फर्स्ट ब्लड। यहाँ पे गाइज मैं फ्री किल को खोज रहा था, बट यार आंटी जी मिली और आंटी जी ESP में स्कोप ऑन करके फायर दे रही थी। यहाँ पे नॉक करके मैं निकल गया यहाँ से। काफी टाइम हुआ गाइज मैं नेट से वन टैप नहीं मार रहा था, फिर उनको ड्रॉप में से नेट मिली थी और भाई साहब वन टैप मार दी इधर आई क्लोज में। लेके आ रहे हैं क्या बोले भाई, 1v2 यार, छोड़ो यार। यहाँ पे गाइज आरजी पता नहीं कहाँ चला गया था बेचारा, सोच रहा था इतना मैच हारता हूँ क्या करूँ, ये सब सोच रहा था। इसने कुछ सीरियसली बोला ही नहीं एक दो मिनट तक। बाकी गाइज न्यू सीजन आने वाला है, बताओ तुम पुश करोगे कि नहीं, ये सब बताओ, कमेंट वमेंट करा करो यार थोड़ा। ले ले, कौन सा बहाना दूं यार, पिछला मैच भी आ रहा है, ये मैच भी आ रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ बताओ। गेम प्ले से तो मैं मैच जिता नहीं सकता, अच्छे टीममेट भी नहीं इस टाइम मेरे पास, तो भाग जाता हूँ, काम करता हूँ कुर्सी से, बहाना भी हो जाएगा, तब तक तो मैच भी खत्म हो जाएगा, 5-6 मिनट तक आता ही नहीं हूँ। चलो चलिए, 4-0 का मेरा प्लान था और काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा था, 1v1 था, आई मीन हाँ सुबोध बचा तो 1v1 था मेरा, बाकी मैंने काफी हेड मारा इसको, चलो एक और बंदा बच गया, 1v2 हो गया गाइस। जब हमारा कभी कभी ऐसे सिचुएशन में मैं हेड मार रखता हूँ ना जहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, देख रहे हो यहाँ पे मतलब हेड लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मार दिया। आरजी ने मेरी भविष्यवाणी गलत करी और गेम में वापस आ गया। नहीं आता आरजी, कोई फर्क पड़ा गेम में वापस आने से तेरे? यार क्या फायदा यार आने का, वापस बाहर घूमता रहता, कम से कम बहाना तो होता। दो दो स्टिप लोग आगे मेरे पास, वो एक गोली का है ये भी आ रहा है। ओके आरजी को हराना इतना इजी हो गया, जब मैच लगाओ तब हरा दो यार, जब मन करे तो यार। थोड़ा सा अलग अलग यूट्यूबर को मारते हैं ठीक ना, थोड़े दिन तक थोड़ा इसका गेम प्ले इंप्रूव हो जाएगा, वैसे होगा नहीं बट फिर भी अगर हो जाए तब मैच लगाएंगे इससे ठीक ना गाइस। हंस लो गाइस, ये भी हंस लो।